हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रशांत और स्वागत है आपका बिग बॉस में। जी हां, सीजन 14 शुरू हो चुका है। हालांकि टीआरपी थोड़ी सी लो आ रही है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से लोग गेम खेल रहे हैं वो काबिले तारीफ है। धीरे धीरे सभी अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सीजन में जो भी फ्रेशर्स आए हैं या जो भी कंटेस्टेंट्स आए हैं, आखिर उन्हें इस शो में आने के लिए कितना प्राइज मिल रहा है? जी हाँ, सभी को काफी अच्छा अमाउंट पे किया जा रहा है। तो चलिए आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि पर वीक किस कंटेस्टेंट को कितने ज्यादा पैसे मिले हैं और कौन है इस सीजन का हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट की, तो वो कोई और नहीं बल्कि रुबीना दिलेक हैं। जी हाँ, रुबीना दिलेक जो कि कलर्स की फेमस जानी मानी बहू हैं, जो काफ़ी टाइम से एक शो कर रही थी, अस्तित्व एक एहसास की शक्ति नाम का एक शो था, वो उनका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा। टीवी की वो जानी मानी एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा वो छोटी बहू जैसा शो भी कर चुकी हैं, जो कि काफ़ी बड़ा हिट रहा था। तो रुबीना दिलेक को इस शो में लाने के लिए बिग बॉस के मेकर्स ने काफ़ी बड़ा अमाउंट दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो रुबीना दिलेक को पर हफ्ते के लिए यानी कि पर वीक के लिए पूरे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं बिग बॉस की तरफ से। यानी कि जो रुबीना दिलेक हैं वो अपने गेम में जिस तरीके से खेल रही हैं वो भी काबिले तारीफ है, लेकिन इस सीजन का उन्हें हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट माना जा रहा है। पूरे 5 लाख रुपए वो पर वीक चार्ज कर रही हैं। इसके अलावा बात करते हैं दूसरे कंटेस्टेंट्स की, तो दूसरा कंटेस्टेंट जो है, जो कि रुबीना के बाद सेकंड हाईएस्ट पेड एक्टर है, वो है जैस्मिन भसीन। जी हाँ, जैस्मिन भसीन जो है वो भी टीवी का एक जाना माना नाम है, कई सारे शोज में वो नज़र आ चुकी हैं, खतरों के खिलाड़ी भी वो कर चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी ज़्यादा अपनी पॉपुलैरिटी के आगे बिग बॉस से एक बड़ा अमाउंट ले रही हैं। तो रिपोर्ट्स की माने तो वो 3 लाख रुपये चार्ज कर रही हैं इस सीज़न के लिए। तो रुबीना के बाद दूसरा नाम जैस्मिन का है। इसके बाद जो तीसरा नाम था वो था सारा गुरपाल का, जो कि अब इविक्ट हो चुकी हैं। बिग बॉस के पहले हफ्ते में ही वो बाहर हो चुकी थी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सारा गुरपाल को, रिपोर्ट्स के माने तो सारा गुरपाल को एक हफ्ते के लिए 2 लाख रुपये मिल रहे थे। वहीं इसके अलावा निशान सिंह मलखानी, जो कि अभी हाल ही में बिग बॉस के पहले कैप्टन बने हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेम अब उनका देखने को मिल रहा है, तो निशान मलखानी चौथे हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट हैं इस सीज़न के। उन्हें पूरे 2 लाख रुपए मिले हैं। जी हाँ, उन्हें भी सारा गुरपाल की तरह 2 लाख रुपए पर वीक के हिसाब से मिल रहे हैं। इसके अलावा एजाज खान हैं, जो कि 5वें नंबर पर हैं हाईएस्ट पेड एक्टर्स में इस सीज़न के हिसाब से, उनको 1,80,000 रुपये मिल रहे हैं पर वीक। एजाज के बाद नाम आता है अभिनव शुक्ला का। अभिनव शुक्ला को 1.5 लाख, जी हाँ, 1,50,000 रुपये यानी कि 1.5 लाख रुपये पर वीक अभिनव शुक्ला को मिल रहे हैं। अभिनव के बाद पवित्रा पुनिया हैं, जो कि सेम अभिनव वाला ही अमाउंट ले रही हैं। उन्हें भी 1,50,000 रुपये मिल रहे हैं इस सीज़न को करने के लिए पर वीक। पवित्रा के बाद निक्की तंबोली, जिन्होंने हर किसी की बैंड बजाई हुई है, जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं, हर किसी से पंगे ले रही हैं, तो निक्की तंबोली को 1,20,000 रुपये मिल रहे हैं इस शो को करने के लिए पर वीक। इसके अलावा राहुल वैद्य को 1,00,000 रुपये मिल रहे हैं पर एपिसोड करने के। राहुल वैद्य के अलावा जान कुमार सानू, जो कि कुमार सानू के बेटे हैं, उन्हें 80,000 रुपये मिल रहे हैं पर वीक के हिसाब से। और लास्ट में सबसे लीस्ट जिसको पैसे मिल रहे हैं, जिसकी सबसे लोएस्ट हैं पैसे के मामले में, वो हैं शहजाद देओल, जो कि अब बिग बॉस के घर से आउट हो चुके हैं। उनको पूरे 50,000 रुपये पर एपिसोड मिल रहे थे। तो ये सभी वो कंटेस्टेंट हैं जिन्हें बिग बॉस के पर वीक के हिसाब से इनको चार्ज किया जा रहा है। रुबीना दिलेक हाईएस्ट पेड टीवी कंटेस्टेंट बनी है इस शो की, जिन्हें पूरे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं पर एपिसोड के हिसाब से। वहीं जैस्मिन 3 लाख के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वहीं सारा गुरपाल, जो कि बाहर हो चुकी हैं, वो 2 लाख, निशान मलखानी भी 2 लाख और एजाज खान 1,80,000। तो ये सभी कंटेस्टेंट हैं जिन्हें लगातार काफ़ी अच्छा ये लोग गेम खेल रहे हैं और पर वीक के हिसाब से इनकी काफ़ी अच्छी कमाई भी हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि रुबीना दिलेक इस सीज़न की हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट बनने के लायक हैं या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।